बाय सेल रेंट प्रॉपर्टीज एट propnation.co.in। आज का वीडियो बेस्ड है विंडसर पैराडाइज सेकंड पर और ये एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट भी है। एट द सेम टाइम इसके कुछ टावर्स अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। ये इसका ओपन टू रोड कमर्शियल स्पेस है जहां पर कुछ दुकानें ऑपरेशनल हो चुकी हैं और कुछ अभी ऑपरेशनल होनी बाकी हैं। यहां पर आपको एंट्री और एग्जिट के लिए सेपरेट गेट्स मिल जाते हैं और अंदर ही आपको इसमें एक स्कूल भी बनाकर दिया गया है। ये इसका सेंट्रल ग्रीन स्पेस है जहां पर आपको काफी सारे एक्टिविटी एरियाज के लिए स्पेस मिल जाती है, जैसे कि स्विमिंग पूल, सिटआउट्स, किड्स प्ले एरिया और काफी सारे जॉगिंग ट्रैक वगैरह की फैसिलिटीज आपको यहां पर मिल जाती है। कुछ इस तरह से ये दिखता है। सामने वाले जो ब्लॉक्स हैं ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये स्विमिंग पूल भी आप देख सकते हैं एट द सेम टाइम। और इस तरफ आपको ये किड्स प्ले एरिया मिल जाता है और जो पीछे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर जो ब्लॉक्स हैं ये सब रेडी टू मूव इन हो चुके हैं। फैमिलीज यहां पर ऑलरेडी शिफ्ट कर चुकी हैं। और बीच में जो ये छोटी बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये स्कूल की बिल्डिंग है जो अभी ऑपरेशनल होना बाकी है। काफी अच्छे से ये सेंट्रल स्पेस बनाया गया है। ये एक सिटिंग एरिया है जो काफी क्रिएटिवली डिजाइन किया गया है। ये रेडी टू मूव इन ब्लॉक्स आपके स्क्रीन पर हैं और ये स्विमिंग पूल का एक और व्यू और काफी अच्छे से इस एरिया को डेकोरेट किया गया है। यहां पर आपको इस तरफ चेंजिंग रूम मिल जाते हैं और ये प्रोजेक्ट मेन रोड जो है राजनगर एक्सटेंशन की वहां से कुछ मीटर्स की दूरी पर बना हुआ है। और यहां पर जो आपको होम लोन्स वगैरह हैं वो SBI, HDFC, ICICI और इंडियन ओवरसीज बैंक जैसे बैंक यहां पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आप एक ठीक ठाक बजट में रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी या फिर थोड़ा समय वेट भी कर सकते हैं इस तरह की प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ये आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हर एक ब्लॉक में आपको दो स्टेयरकेस और दो लिफ्ट मिलती हैं। जिस फ्लोर पर हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं यहां पर भी कुछ फैमिलीज शिफ्ट हो चुकी हैं। इस तरफ आपको लिफ्ट मिल जाती हैं। और जो दूसरा स्टेयरकेस है वो एट द एंड ऑफ दिस टावर आपको मिल जाता है। जो कॉमन पैसेज है यहां पर भी आपको प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर सनलाइट भी मिल जाएगी। ये वेंटिलेशन के लिए स्पेस बीच में छोड़े गए हैं सो दैट आप पैसेज एरिया में बिल्कुल भी आपको सफोकेटेड फील नहीं होने वाला है। जो फ्लैट हम आपको आज दिखा रहे हैं इसका सुपर एरिया है 895 स्क्वायर फीट। ये इसका ड्राइंग और डाइनिंग का स्पेस है और ये एक कॉम्पैक्ट साइज का 2 BHK है। ये है इसका ड्राइंग और डाइनिंग का व्यू, कुछ इस तरह का दिखता है ये। और यूनिट्स आपको ऑलमोस्ट इसी तरह की डिलीवर होती हैं, बस इसमें आपका सैनिटरीज लगने बाकी हैं और कुछ वाटर फिटिंग्स होने बाकी हैं। ये है इस यूनिट की किचन। यहां पर आपको रेफ्रिजरेटर के प्लेसमेंट के लिए जरूर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहां पर अभी वाटर फिटिंग्स होने बाकी हैं और इस तरफ आपको एक बालकनी मिल जाती है जिसको आप एज ए यूटिलिटी बालकनी इस्तेमाल कर पाएंगे। IGL वगैरह यहां पर ऑलरेडी ऑपरेशनल स्थिति में है, यानी कि जो पाइप्ड गैस है वो यहां पर आपको अवेलेबल है। ये है वॉशिंग मशीन के लिए प्रोविजन। इस तरफ पावर और वाटर वाला कनेक्शन सामने।
यदि इसके डाइनिंग वाले सेक्शन से आप देखते हैं तो कुछ इस तरह से आपको ड्राइंग और डाइनिंग का व्यू आता है। ये मेन एंट्रेंस है यूनिट का। इस तरफ आपको एक बेडरूम और यहां पर आपको मिलता है इसका कॉमन वॉशरूम। इसमें आपको दो वॉशरूम मिल जाते हैं, दो बेडरूम मिल जाते हैं और दो बैल्कनीज मिल जाती हैं, जिसमें से एक थोड़ी छोटी बैल्कनी है तो दूसरी उसको कंपनसेट करने के लिए काफी बड़ी बैल्कनी आपको मिल जाती है। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। यहां पर आपको कोई वार्डरोब का स्पेस नहीं मिलता है, बट आपको मिलता है इसके साथ में एक काफी बड़ा सा बैल्कनी का स्पेस, जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके प्रयोग में ला सकते हैं। ये एंट्रेंस है इस रूम का और यहां पर आपको ये बैल्कनी मिल जाती है जो काफी बड़ी है और काफी फैली हुई है। यहां पर इसकी विड्थ करीब 5 फीट है और जो ये वाला सेक्शन है ये 3 फीट 3 इंचेस वाइड है और जो इससे आगे वाला सेक्शन है वो अगेन 5 फीट वाइड है। ये काफी बड़ी बैल्कनी है। इतने कॉम्पैक्ट साइज के फ्लैट में इतनी बड़ी बैल्कनी आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। तो यदि आपकी रिक्वायरमेंट एक बड़ी बैल्कनी है तो ये यूनिट आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। ये है इस यूनिट का मास्टर बेडरूम जो हमने इस बैल्कनी से ही एक्सेस कर लिया है, बट आपको ड्रॉइंग एरिया से कैसे इसमें कनेक्ट मिलता है वो हम आपको इस वीडियो के एंड में दिखाएंगे। यहां पर आपको एक छोटा सा वार्डरोब का स्पेस मिल जाता है, काफी बड़ा सा ये ग्लास एरिया मिल जाता है, एक बैल्कनी जैसा कि आपने देख ही लिया है और साथ ही आपको मिलता है एक अटैच्ड वॉशरूम भी। और ये अटैच्ड वॉशरूम इस तरफ है। वॉशरूम में अभी फिटिंग्स लगने बाकी हैं। ये एक सैंपल यूनिट है जो पूरे तरीके से फिनिश नहीं की गई है अभी। इस फ्लैट की जो कॉस्ट है वो आपके स्क्रीन पर है। विद स्टैंप ड्यूटी डील आपको यहां पर मिलती है, तो ये एक तरह से कहा जाए तो ये ऑल इंक्लूसिव डील है। इसके बाद में आपको बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस शायद देने होंगे। और इस तरह से आप मास्टर बेडरूम से ड्राइंग रूम में एंटर करते हैं। तो यहां पर हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। ये है इसका यूनिट प्लान। ऑलमोस्ट इसी ओरिएंटेशन में आपने इसको देखा भी है। और ये इस प्रोजेक्ट विंडसर पैराडाइज सेकंड का साइट प्लान है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।